कि रलावता गांव का पटवारी कमलेश कुमार मीणा उसके द्वारा जमीन की मौका रिपोर्ट और नामांतरण की एवज में 20,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग। रलावता गांव का पटवारी 20,000 रुपये की रिश्वत लेते चढ़ा एसीबी के हत्थे। परिवादी से जमीन का मौका रिपोर्ट और नामांतरण कराने के नाम पर मांगी थी 20,000 रुपये की रिश्वत। एसीबी एसपी समीर कुमार सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह के नेतृत्व में अजमेर एसीबी के पुलिस उप अधीक्षक प्रभुलाल कुमावत के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने गांव रलावता में पटवारी कमलेश कुमार मीणा को 20,000 की रिश्वत राशि लेते ट्रैप कर लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी सतनाम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी द्वारा पटवारी कमलेश कुमार मीणा से जमीन की मौका रिपोर्ट बनाने और नामांतरण कराने की गुहार लगाई गई थी, जिसकी एवज में पटवारी कमलेश कुमार मीणा ने 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी। परिवादी द्वारा एसीबी को की गई शिकायत के बाद घटना का सत्यापन कराया गया और पुष्टि होने पर डिप्टी एसपी प्रभुलाल कुमावत के नेतृत्व में टीम ने दबिश देकर आरोपी पटवारी कमलेश कुमार मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। ये कल एक परिवादी ने हमारे को एक रिपोर्ट पेश करी थी कि रलावता गांव का पटवारी कमलेश कुमार मीणा उसके द्वारा जमीन की मौका रिपोर्ट और नामांतरण की एवज में 20,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। इस पर हमने कल उसका सत्यापन करवाया, उसकी बात की पुष्टि हुई, जिस पर आज प्रभुलाल डिप्टी एसपी के नेतृत्व में टीम को भेजा गया तो 20,000 रुपये उसने लेते उसके रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और कार्रवाई अभी जारी है। सर किस एवज में होंगे ये जमीन की मौका रिपोर्ट और उसका नामांतरण किए एवज में?